जय माता दी साथियों। दोस्तों आज हम लोग जो बात करेंगे वो होंगे यौगिक, क्या होंगे? यौगिक होंगे, सूत्र होंगे और उनमें उपस्थित तत्व होंगे। मतलब जैसे कि हम लोग पढ़े थे एच से हाइड्रोजन, एच ई से हीलियम, एल आई से लिथियम, ठीक है, एन ए से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, प्रांशियम, जो भी पढ़े थे, ठीक है, उपस्थित तत्व होंगे। बात करते हैं दोस्तों यौगिक की, तो यौगिक में आपका पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बनता है, सूत्र बनता है दोस्तों CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र बनता है CO2, जिसमें दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देखे होइएगा, मैं पार्ट मतलब इस पे जो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर पे डिटेल्स में डिस्कस किया था। यहाँ आई बटन पे लिंक पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है, इंड स्क्रीन पे भी मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों CO2, सी से मतलब कार्बन होता है, क्या होता है दोस्तों, सी से कार्बन होता है, O2 मतलब ओ से, O2 मतलब क्या, दो को ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O से हम लोग क्या करते हैं, संकेत करते हैं, सिंबल देते हैं, तो ऑक्सीजन मेरा हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों जल, जल का जो सूत्र होता है H2O होता है, क्या होता है दोस्तों, H2O, H से हाइड्रोजन हो जाता है, ठीक है दोस्तों, H से हाइड्रोजन, O से हो जाता है आप लोग का ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, दो को हाइड्रो मतलब दो को हाइड्रोजन और एक ठो ऑक्सीजन से हमारा जल बनता है H2O। बात करते हैं दोस्तों कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बनता है CuSO4, क्या बनता है CuSO4, Cu से हो जाता है आप लोग का कॉपर, S से हो जाता है सल्फर, O से हो जाता है ऑक्सीजन। कहने का मतलब दोस्तों CuSO4 इज इक्वल टू कॉपर सल्फेट, ओके। बात करते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक अम्ल, HNO3, नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 होता है, तो दोस्तों HNO3 मतलब कहने का मतलब H से हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ आप लोग का N से नाइट्रोजन हो जाएगा, O से ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, तो HNO3 इज इक्वल टू नाइट्रिक एसिड। बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या चीज दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनता है CaCO3, CaCO3, Ca से कैल्शियम, C से कार्बन और O से ऑक्सीजन दोस्तों, ओके ना। बात करते हैं दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H से हो जाएगा आप लोग का हाइड्रोजन, H से हो जाएगा सल्फर और O से हो जाएगा ऑक्सीजन। दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, देखिए ये जो सिंबल वाला है ना उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ आप लोग को, मैं देखिएगा मिल जाएगा आप लोग को। बात करते हैं दोस्तों विरंजक चूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बनता है CaOCl2, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बनता है CaOCl2, Ca से कैल्शियम, O से ऑक्सीजन, Cl से क्लोरीन, ओके ना दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट की बात करते हैं, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनता है PbNO3 ब्रैकेट में होल टू, पीबी से होता है दोस्तों लेड, काफी इंपॉर्टेंट है, पीबी से होता है लेड, ओके, NO3, N से होता है नाइट्रोजन, O से होता है ऑक्सीजन, ओके ना दोस्तों। बात करते हैं मीथेन, CH4, मीथेन CH4, मीथेन का C से कार्बन हो जाएगा, H से हाइड्रोजन हो जाएगा, ओके दोस्तों, मजा आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिएगा कहता है चूने का पानी, चूने का पानी का फॉर्मूला बनता है Ca(OH)2, Ca से हो जाता है कैल्शियम, O से हो जाता है ऑक्सीजन, H से हो जाता है दोस्तों हाइड्रोजन, ओके ना दोस्तों, H से हो जाता है हाइड्रोजन, O से हो जाता है ऑक्सीजन, Ca से हो जाता है कैल्शियम। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा होगा बैकग्राउंड का, क्या है कि माता का मंदिर है बगल में तो वहाँ पे हमेशा बाजा बजते रहता है, ओके। तो एक बार बोलिए मेरे साथ जय माता दी, जय माता दी दोस्तों। और हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, टेक केयर दोस्तों, और जो भी परीक्षाओं का तैयारी करें अच्छे से करें, और अभी जैसा कि नवरात्र चल रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भगवान का पूजा वूजा कीजिए आप लोग, और जो है सो माँ ही देखती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।